साला ये अपने YouTube वीडियोस के ऊपर व्यूज क्यों नहीं आ रहे यार, मैं थक गया। पता नहीं साला ये कब व्यूज आएंगे, क्या होगा मेरे YouTube चैनल का, कब ग्रो होगा, कुछ आइडिया ही नहीं है मुझे। व्यूज नहीं आ रहे तो फिर अर्निंग भी नहीं होगी ऑब्वियसली, तो इसके लिए क्या किया जाए यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत टाइम से परेशान हूँ मैं। अभी है ना देखो, YouTube के ऊपर व्यूज़ नहीं, हमारे वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आए ना, तो पक्का मैं छोड़ने वाला हूँ YouTube, सच्ची बता रहा हूँ। मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं क्या किया जाए यार। आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया माइंड में आया है, इस आइडिया को मैं यूज़ कर सकता हूँ, पक्का अपना चैनल ग्रो हो जाएगा। अभी जो मुझे आइडिया है ना, वो अगर मैंने कर लिया और मेरे साथ आप लोगों ने भी कर लिया, तो सच्ची बता रहा हूँ कि आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा मेरे चैनल के साथ। करना है ये चीज़, बताऊँ मैं अभी? नहीं करना है जिनको, वो छोड़ सकते हैं इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं। अगर करना है तो बता दो मुझे, करेंगे, साथ में करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है? और पक्का अपना चैनल भी ग्रो करवाएंगे। कैसे हम ग्रो कर सकते हैं वो आगे देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आपका स्वागत करता हूं मैं इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा व्यूज़ नहीं आने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो व्यूज़ इसी वजह से नहीं आते कि हम जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, ठीक है। सबसे पहला ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, जो कि मेरी भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों की भी शायद कमी होगी या नहीं होगी, तो ये दो हो सकते हैं। उसके अलावा आपकी वीडियो और आपकी ऑडियो, ठीक है, इसकी क्वालिटी सही नहीं होगी, और वो भी नहीं होगा तो आपकी एडिटिंग सही नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना भूल गया, अभी मैं बता देता हूँ कि आप जो वीडियोस बना रहे हो वो सर्चेबल में नहीं आ रहे, यानी सर्च नहीं हो रहे, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हो। और इसी के रिगार्डिंग मैं आगे आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही काम में आएगी, और वो करोगे तो 100% आपके व्यूज़ भी आएंगे और आपकी अर्निंग भी होगी। तो समझ लो कि करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमको है ना कुछ, मैं कोई बहुत बड़ी ट्रिक्स या टिप्स बताने नहीं वाला हूँ, सिंपल सी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइजली हमको ये चीज़ें करनी है वो चीज़ मैं बताऊँगा। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमको है ना अगर YouTube के ऊपर आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ, कंसिस्टेंसी के लिए एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको मेरे साथ करना पड़ेगा, और इन केस अगर आप करते हो, ठीक है, जितने दिन मैं बोल रहा हूँ उतने दिन आप करते हो, तो 100% आपका चैनल भी ग्रो होगा, मेरा चैनल भी ग्रो होगा, ठीक है। आप नहीं करोगे, मैं खुद करूँगा तो मेरा चैनल तो होगा ही, लेकिन आप करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। ये वीडियो मैं मेरे लिए नहीं लाया हूँ, आपके खुद के लिए भी लाया हूँ। तो सबसे पहले हमको करना क्या है ये मैं बता देता हूँ। तो करना हमको ये है कि हमको एक चैलेंज लेना है। चैलेंज का नाम है 19 डेज चैलेंज, ठीक है। आपको हैशटैग्स डालना है, एक हैशटैग जो होगा 19 डेज चैलेंज, और सेकंड हैशटैग जो होने वाला है वो हैशटैग आस्क टू आहिर, ASKTOAHIR, ठीक है। तो ये दो हैशटैग्स आपको हर एक वीडियो में लगाने हैं, मई से लेकर जून तक के, सॉरी जुलाई तक के, ठीक है। 19 डेज में आपके कितने वीडियोस हो जाएंगे, देखो सबसे पहले तो मैं आपको कंसिस्टेंसी के लिए एक जो चैलेंज है, चैलेंज के बारे में बता देता हूँ कि एक चैलेंज जो हम ले रहे हैं 19 डेज चैलेंज का, उसमें हमको करना ये है कि दो हैशटैग्स हर एक वीडियो में लगाने हैं। वीडियोस कौन कौन से बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका कुकिंग का चैनल है तो कुकिंग के चैनल के अंदर 19 डेज का चैनल चैलेंज आपको लेना है, उसमें 19 डेज चैलेंज और हैशटैग्स आस्क टू आहिर, यानी ये जो दोनों हैशटैग्स हम हर एक वीडियो में लगाएंगे मई से लेकर जुलाई तक, तो यूट्यूब को ये लगेगा कि कुछ ये ट्रेंड चल रहा है इसका, जो कि लोग बार बार ये इस हैशटैग्स को यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत काम की चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि ये जो दो हैशटैग्स आपको हर एक वीडियो में लगाने हैं, यूट्यूब को ये लगेगा कि ये जो कुछ ट्रेंड चल रहा है, जिसके कारण वो यूट्यूब क्या करेगा, आपके वीडियोस को और बूस्ट करेगा, ठीक है। एक ट्रेंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक बूस्ट करने का एक ये तरीका है, और बहुत लोग करेंगे एक साथ तो 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, आपके वीडियोज़ के ऊपर भी
मेरे वीडियोस के भी मैं ऊपर भी बताऊंगा। और ये जो सारी चीज़ें हम करेंगे उसमें आपको कितने वीडियोस बनाने पड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। सेकेंडली देखो, हमको हफ्ते के 4 वीडियो बनाने हैं अपने निश के ऊपर, ठीक है? याद रखना, अपने निश के ऊपर, कोई और निश नहीं। जैसे आपका कुकिंग का चैनल है तो कुकिंग के रिगार्डिंग ही वीडियोस बनाने हैं, जैसे आपका टेक का चैनल है तो टेक के रिगार्डिंग ही जो जो वीडियोस बन सकते हैं वही बनाने हैं, कोई फालतू का वीडियो नहीं बनाना है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी रखनी है, जिसमें कि आपको ऑडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, सही से क्लियरली वॉइस आ रही होगी। एक ऑडियो आपको सही करना है, ठीक है? वीडियो सही करना है और एडिटिंग ठीक ठाक सी रखनी है। ऐसा नहीं है, देखो एडिटिंग ऐसी चीज़ है ना कि टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती रहेगी, लेकिन ये दो चीज़ें जो मैंने बताई ना, वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी बहुत सही रखनी है। एडिटिंग जितना हो सके करो, ठीक है? वैसे मुझे पता है कि 4 वीडियोस बनाने हैं तो एडिटिंग में बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए एडिटिंग ठीक ठाक सी रखनी है। लेकिन जो डिस्प्ले आपका प्रेजेंट होगा वो वीडियो अच्छा रखना है और ऑडियो अच्छा रखना है, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो कि मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जो आप वीडियोस बनाओगे वो सर्चेबल वाले वीडियोस होने चाहिए। और सर्चेबल वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको यूट्यूब के ऊपर जाना है। यूट्यूब के ऊपर कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना चाहते हो तो वो टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है? जैसे मुझे सर्च करना है हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सर्च करना है। उसके बाद फिल्टर है, ठीक है? फिल्टर के ऊपर जाइए, फिल्टर के ऊपर क्लिक करके आपको 30 डेज, लास्ट 30 डेज के कौन कौन से वीडियो बनाए हैं सबके टाइटल्स और उनके टैग्स, उन पर्टिकुलर वीडियोस के टैग्स आपको नोटपैड में नोट कर लेने हैं। उसके अलावा 1 वीक के पहले 30 डेज का करना है आपको फिल्टर, उसके बाद 1 वीक का। और जितने भी वो टाइटल दिखेंगे ना, 1 से लेकर 6-7 वीडियो तक के, वो सारे उठाने हैं, अपने टैग्स के अंदर डाल देने हैं, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देने हैं, ठीक है? शॉर्ट हो गए तो वो टैग्स के अंदर डाल देना है, लंबे हो गए तो डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, ताकि क्या होगा कि आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज आएंगे, पर्टिकुलरली उस टॉपिक के ऊपर अगर वीडियोस बनाना चाहते हो आप, ठीक है? ये एक चीज़ मैंने आपको सर्चेबल वाली बता दी। आपको डिसाइड खुद ही करना है कि भाई आपके निश के हिसाब से कौन कौन से वीडियो बन सकते हैं, और पर्टिकुलरली इस हिसाब से मैंने जैसे बताया फिल्टर करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद वीडियो क्यू के अंदर भी आप ये सारे जितने भी टाइटल है उसमें से देख लेना है फिल्टर, और ज़्यादा फिल्टर करके कि पर्टिकुलर वो कीवर्ड जो मैंने नोटपैड के अंदर लिखे हैं उसमें से बहुत बेहतरीन जो है ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम वाले, सर्चेबल वॉल्यूम ज़्यादा हो और कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो, यानी वीडियोस कम बने हैं उसके ऊपर। तो ऐसे वाले कीवर्ड फाइंड करके अपने टाइटल में भी डाल देने हैं, ठीक है? जो सबसे बेहतरीन होगा वो टाइटल में डाल देना है पर्टिकुलर उस वीडियो के ऊपर जो बनाना चाहते हो आप, और बाकी डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में, दोनों में आपको डाल देना है, जिससे कि आपके वीडियोज़ के ऊपर, उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ठीक है? तो ये मैंने बहुत अच्छा तरीका आपको बता दिया। देखो, हम जो यूट्यूब के ऊपर जो ये जो चैलेंज ले रहे हैं उसमें क्या चीज़ होगी एग्जैक्टली, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, हम जो वीडियोस बनाएंगे उसमें जो मेरा निश है टेक का, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, और जो इंस्टाग्राम यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब की टिप्स ट्रिक्स, ठीक है, सोशल मीडिया की रिगार्डिंग और टेक की रिगार्डिंग, अनबॉक्सिंग वगैरह के वीडियोज़ में लाता हूँ, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग ही मैं वीडियोस आपको देने वाला हूँ, ठीक है? तो उसी के ऊपर मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो जैसे कल ये एक वीडियो आ गया, उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, तीसरा वीडियो आएगा, चौथा वीडियो जो हमारा होगा हर वीक का, वो उस रिगार्डिंग होगा कि मैं रिव्यू करूँगा। ये जो चैलेंज लिया है हमने, तो कोई ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि भाई चैलेंज ले लिया, मैं खुद ही अपना देखता रहूँ, ऐसे मुझे नहीं करना है। मुझे ये करना है, मुझे चाहिए रिजल्ट, तो मैं खुद का रिजल्ट भी दिखाऊँगा आप लोगों को। और जो जो लोग मुझे कमेंट करेंगे इस दौरान, जो वीडियोस मेरे बने हैं, जितने भी वीडियोस मेरे आएंगे एक हफ्ते के अंदर, वो वीडियो के नीचे कमेंट करे होंगे, उनके वीडियोस मैं उनका चैनल में देखूंगा, रिव्यू करूंगा, और ये जो हैशटैग्स लगाए हैं उस हिसाब से उनका मैं रिव्यू करूंगा कि क्या क्या उन्होंने अच्छा किया है, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको, चौथा जो मेरा हमारा वीडियो होगा ना, यानी 1, 2, 3 और फोर्थ वीडियो जो होगा, वो हर वीक का फोर्थ वीडियो हमारा रिव्यू वीडियो होगा 19 डेज चैलेंज के रिगार्डिंग, ठीक है? तो हर फोर्थ वीडियो के ऊपर आपको आ जाना है, और उसमें आपको जो भी हमारे अगले वीडियो देखे होंगे उसमें मैं खुद का अपना दिखाऊंगा रिजल्ट, आपको खुद का भी अपना रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, और जिससे कि हम रिव्यूज़ करेंगे और लोगों के चैनल का भी, और
पर्टिकुलरली उसे आपके वीडियोस का भी इम्प्रूवमेंट करने की मैं कोशिश करूंगा, इम्प्रूवमेंट उसमें भी करने की कोशिश करूंगा। मेरे वीडियोस के अंदर भी आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको कैसा ये मेरा आइडिया लगा मुझे बिल्कुल कमेंट में आप बता सकते हो नीचे, और जो वीडियो होगा हमारा लाइव होगा। और ये जो तरीका मैं कर रहा हूँ ना वो आप अपने चैनल के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन अपने अपने निश के हिसाब से, ठीक है, YouTube चैनल अपना ग्रो कराने के लिए। तो चौथा वीडियो जो होगा, चौथा हमारा लाइव होगा, और लाइव जो होगा ना उसमें हम चैनल का प्रमोशन करेंगे बाकी लोगों के, आपके खुद के चैनल का भी, और चैनल चेकिंग करेंगे पर्टिकुलरली। वो पूरा अलग ही रहेगा, यानी हर संडे के या सैटरडे का दिन हम लाइव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा कुछ प्लानिंग है। तो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और जो मैं तरीका टैग का चैनल है या मेरी निश का चैनल है ना आपको, तो सेम चीज़ें मैं जो कर रहा हूँ ना वो कॉपी कर सकते हो आप, ठीक है। आपके लिए होगा फ़ायदा और दूसरों के लिए, आपके नीचे जो बाकी चैनल्स हैं उन लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो और लोगों को जोड़ोगे तो हमारा सबका ही फ़ायदा होगा। यानी बहुत अच्छा तरीका मैं थोड़ा सोच समझ के लाया हूँ, देखते हैं आगे कैसे होगा। और जब 19 डेज हमारे ख़त्म हो जाएंगे, यानी मई जून जुलाई, जुलाई में हम पूरा रिव्यू करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बड़ा लाइव करेंगे, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद अगर आप बोलते हो तो और ज़्यादा इस तरीके से चैलेंज लेंगे, क्योंकि चैलेंज लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। चैलेंज लोगे, अपने आप से चैलेंज लेना है, खुद के लिए चैलेंज लेना है, मेरे लिए नहीं लेना है, ठीक है, खुद के लिए लेना है। मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। तो मैं इसीलिए ये चैलेंज लाया हूँ। तो आई होप कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करोगे इस चैलेंज के अंदर। इस चैलेंज के रिगार्डिंग कुछ सजेशन है तो बिल्कुल मुझे सजेशन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें वो भी करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो आपका कैटेगरी है उस हिसाब से कौन कौन से वीडियो बन सकते हैं, कौन कौन से बहुत ज़्यादा सर्चेबल वीडियोज़ बन सकते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ला रहा हूँ, तीन कैटेगरी मैं चूज़ करने वाला हूँ, तीन कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाने की कैटेगरीज़ है, वो कैटेगरी के बारे में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा कि कौन से वीडियोस आपको बनाने चाहिए पर्टिकुलरली इन टॉपिक के ऊपर, इन तीन निश के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको और अच्छे से आ जाएगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से वीडियोज़ बना सकते हो और ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हो, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।